कोराव प्रयागराज। प्रयागराज जिले में विकासखंड कोराव के अंतर्गत ग्राम सभा पटेरी के ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार बहेलिया जी हैं। यहाँ की जनता काफी ही परेशान रहती है। यहाँ पर लोगों के लिए ना तो शौचालय, ना विद्युतीकरण, ना आवास और ना ही पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ के लोग 3 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। पीने के लिए पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के प्रधान से रिबोर के लिए कई बार ग्रामीणों ने निवेदन किया है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। यहाँ की जनता तालाब का पानी पीने के लिए बाध्य है। जब ग्रामीण जनता पानी, आवास और शौचालय के लिए कहती है तो ग्राम प्रधान जी गाली देकर भगा देते हैं। कहते हैं कि भाग जाओ, तुम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए ग्रामीणों ने शासन से गुहार लगाई है कि इस गांव का निरीक्षण करके ग्राम प्रधान के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और हम लोगों के लिए पानी, आवास और शौचालय की व्यवस्था कराई जाए। मौके पर गांव के तमाम लोग उपस्थित थे, जिसमें से चतुर्गण, रामकरण, राजेंद्र प्रसाद तिवारी, संतोष मोतीलाल, वसंतलाल फुलवारी आदि लोग उपस्थित रहे। स्टार 7 टीवी न्यूज के कैमरामैन संतोष कुमार के साथ शिव नारायण पांडे की रिपोर्ट। स्टार 7 टीवी न्यूज से हम अखिलेश तिवारी। इस समय हम प्रयागराज के कोराव ब्लॉक में स्थित है, जो कि पटेरी ग्राम सभा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए कुछ बस्ती है, और इस बस्ती में सबसे बड़ी बात यह है कि पानी पीने की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है। अब इस स्थिति में आप ध्यान लगाइए कि अगर ये लोग खुला पानी पीते होंगे तो कितना परेशान होते होंगे। यहाँ पर कोई भी व्यवस्था मेंटेन तरीके से नहीं मिल रही है। आइए हम जानकारी लेते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी स्कीम चलाई गई है उसमें कितना इन लोगों के पास तक पहुंचा हुआ है। आपका नाम क्या है? रामकरण। आपको जो है पानी पीने वाली व्यवस्था कहाँ पे है, कहाँ से पानी लाते हैं? पानी लाते हैं वहाँ बम्बा बजरंग बली पर। यहाँ से कितनी दूरी पे है? 1-2 किलोमीटर बाद। इनका कहना है 2 किलोमीटर से ये पानी लेके आते हैं। अब आप अंदाज लगाइए कि 2 किलोमीटर से जब पानी लाते होंगे तो कितना पानी लाते होंगे। आपका नाम क्या है? वसंतलाल। आपकी भी परेशानी वही है? हाँ, यही। आपका घर कहाँ पे है? यहीं, यहाँ दर पटेरी। आवास मिला है आपको? नहीं, बस देखो। नहीं साहब, नहीं। आपका नाम क्या है? कुलवंशी। आवास मिला है आपको? नहीं, आवास। क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी तो कहा थे कि बने, अब कहा था कि न बने। पैसा मांगते हैं क्या? पैसा मांगे हैं इनकी। क्या कहते हैं? कहा थी पैसा दे जाए, उनको बन जाए। कितना पैसा मांगते हैं? 10,000। यहाँ पर सबसे बड़ी शिकायत ये है कि यहाँ पर प्रधान जो भी कार्य कराते हैं पहले उनको पैसा चाहिए। यहाँ पर गरीब जनता पानी के लिए मर रही है, कोई व्यवस्था आ रही है। देख रहे हैं कोई भी छत आपको नहीं दिखेगा कि यहाँ पर किसी का छत है। और ऐसे व्यक्ति कहाँ से पैसा लाके प्रधान जी को देंगे तो वो आवास यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। आपका नाम क्या है माता जी? अंग्रेजोवा। आपको आवास या शौचालय मिला है? क्या कहते हैं प्रधान जी? कुछ नहीं। क्या कहते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहते। कुछ बोलते ही नहीं है, इनको कहते हैं ठीक है सब। आपका क्या नाम है भैया? पंचराज। आपको आवास शौचालय कुछ मिला है? कुछ नहीं। पानी की व्यवस्था कैसे ठीक होगा? ये लोग गड्ढे का पानी पी रहे हैं, आप देख रहे होंगे तालाब सामने है। तालाब का पानी ये लोग पी रहे हैं। यही स्थिति लगातार रही है यहाँ की। हम प्रशासन से निवेदन करेंगे, ये सारी जनता निवेदन कर रही है प्रशासन से, कृपया इसकी उचित जाँच की जाए और जो भी इस पर गरीबों का हक छीन रहा है उस पर कार्रवाई किया जाए और इन लोगों को न्याय दिया जाए। जो भी व्यवस्थाएं माननीय योगी और मोदी जी का जो भी स्कीम चल रही है वो यहाँ तक